प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के बिजनौर में चुनावी रैली करेंगे। बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहली फिजिकल रैली होगी। निशाने पर होगा समाजवादी पार्टी, आरएलडी का गठबंधन और कांग्रेस। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों पर 6 पर बीजेपी का कब्जा रहा है और दूसरे चरण में 14 फरवरी को यहां पर मतदान होना है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देहरादून और हरिद्वार के मतदाताओं से संवाद करेंगे। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी और बड़े नेता शामिल होंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली थी वहां पर, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया था। और इस कड़ी में आज की बड़ी जानकारी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधन करेंगे, संवाद करेंगे देहरादून और हरिद्वार के कार्यकर्ताओं से और वहां की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। और इस दौरान इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वहां के यूपी उत्तराखंड के जो उनके बीजेपी के अध्यक्ष उनके समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और वर्चुअल रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, विजय संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। और आज ये कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के बागेश्वर और नुमाइशखेत में चुनावी सभा करेंगे। कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बरेली के राधा माधव स्कूल में चुनावी जनसभा करेंगे। मंडल स्तरीय सभा में करीब 1000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। मायावती बरेली में पहुंचेंगी, आज उनका कार्यक्रम है, वहां पर अपने 1000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राधा माधव स्कूल में कॉलेज में उनका संबोधन का कार्यक्रम है और कोरोना गाइडलाइंस और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसको पालन करते हुए 1000 जो मंडल स्तरीय कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगी और जीत का उनको मंत्र देंगी। और उनका अपना एक कैडर है और वो पूरे निश्चिंत है कि उनका कैडर ग्राउंड लेवल पर सक्रिय है और इसी क्रम में वो बरेली में पहुंचेंगी और बरेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। हालांकि जो कोरोना की गाइडलाइंस है, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक खुले में 1000 लोग ही शामिल हो सकते हैं किसी भी सभा में, रैली में, तो इसका पालन करते हुए इस कार्यक्रम में 1000 कार्यकर्ता शामिल होंगे।